कर रहे थे तो काफी माहौल जो है सीरियस लग रहा था और अभी भी जो है सीरियस ही लग रहा है। और आज का जो दिन है मेरे को जो लगता है कि काफी खुशी का दिन है, क्योंकि कोविड एरा के बाद 3 या 4 साल बाद जो है आप लोगों को डिग्री और अवार्ड दिया जा रहा है और ये कॉन्वोकेशन सेरेमनी हो रही है, तो हमको लगता है कि थोड़ा माहौल जो है लाइट रहे तो ज़्यादा बेहतर हो। और सब लोग यंग हैं, सब लोग नौजवान हैं और ये तो जीवन के, आप लोगों के जीवन के एक खास दिनों में जो है ये गिना जाएगा। एंड ऑलवेज यू पीपल विल रिमेंबर दिस डे ऑफ योर कॉन्वोकेशन सेरेमनी। व्हेनेवर आई गो टू एनी कॉन्वोकेशन सेरेमनी मेंट फॉर डॉक्टर्स, आई ऑलवेज स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर द डॉक्टर्स टू रियलाइज दैट व्हाट मैटर्स फॉर द सोसाइटी, फॉर द नेशन, is that how much lives you save, not how much money you make. तो ये जो डॉक्टर्स जो होते हैं, हम लोग सब लोग कहते हैं कि भगवान का दूसरा रूप अगर कोई है तो डॉक्टर्स है, इसमें मेरा मानना है कि कोई डाउट नहीं है। कुछ दिन पहले ही हमारे पिता का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था जिसमें मेरी बड़ी बहन ने अपने किडनी जो है पिता को दान दिया था। और वो डॉक्टर्स हैं जो आज हमारे पिता अगर स्वस्थ हैं, फिट हैं, तो वो डॉक्टरों की देन है। तो डॉक्टर कितने महत्वपूर्ण हैं ये सब जो है जानते हैं और हम लोग सब लोग इसी कोशिश में हैं कि सारी सुविधाएं जो हैं, स्वास्थ्य का लाभ जो है बिहार का हर एक एक नागरिक इसका लाभ उठा पाए। और जो जिम्मेवारी मुझे मिली है बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी है और इसको कोशिश हम लोग सब लोग मिलकर के कर रहे हैं कि बेखूबी ढंग से जो है ईमानदारी से इसको निभाने का काम करें ताकि बिहार में हर एक मरीज का इलाज हो सके, उसको दवा मिल पाए और वो स्वस्थ होकर के अस्पतालों से अपने घर लौटे। यही हम सब लोगों की जिम्मेवारी है। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सभी फैकल्टीज मेंबर्स का, प्रोफेसर्स का, जिन्होंने स्टूडेंट्स को तैयार किया, पढ़ाया लिखाया, उनकी भी एक बड़ी भूमिका है, तो उनको भी हम विशेष तौर पे धन्यवाद देना चाहते हैं और बधाई देना चाहते हैं आज के मौके पर। और IGMS जो है इस ऑडिटोरियम में मेरा दूसरा बार आना हुआ है, काफ़ी पहले ये ऑडिटोरियम जो है बना था, अभी कुछ दिन पहले ही डायरेक्टर साहब आए थे बिंदे जी समय लेने, तो हम बोले वो ऑडिटोरियम तो बहुत छोटा है, तो आज ही तकरीबन जो है 600 लोगों को जो है दीक्षांत समारोह में लोग शामिल हुए हैं। तो हम लोगों ने तय किया कि कम से कम हम लोग स्वास्थ्य विभाग जो है, क्योंकि प्रीमियर इंस्टीट्यूट है IGMS, तो उस हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो आज इस मंच के माध्यम से आप लोगों के सामने हम घोषणा करना चाहते हैं कि जल्द ही जो है ऑडिटोरियम एक नया जो है 500 कैपेसिटी का वो स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार जो है देने का काम करेगी। साथ ही साथ हम लोगों ने निर्देशित किया है कि पूरे हॉस्पिटल को जो है डिजिटलाइज जो है वो किया जाए और जो OPD भी जो है उसको भी कंप्यूटराइज रखा जाए ताकि सारे डिटेल्स जो हैं लोगों के फ़ोन पर आ जाए, दवा की व्यवस्था जो है वो सारी चीज़ें जो है जो जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वो फ़ोन के माध्यम से जो है उनको जो है पहुंच सकेगा। और आप सब लोगों को बताते हुए तो बहुत खुशी हो रही है कि और एक्स्ट्रा बेड्स का जो है लगभग कंस्ट्रक्शन जो है पूरा होने वाला है और इसकी भी जो जल्द जो है माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोग जो है इसकी भी शुरुआत जो है जल्द से जल्द हम लोग कर देंगे। और 125 बेड पेडियाट्रिक केयर यूनिट प्रीफैब जो है लगभग 7.5 करोड़ का हम लोग जो है यहाँ देने जा रहे हैं। साथ ही साथ क्रिटिकल केयर यूनिट फॉर मेडिसिन एंड न्यूरोसर्जरी
में जो है 20 करोड़ रुपए जो है हमारी सरकार जो है देने का काम, और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ जो भी मरीज आए उन पे जो है दवा का बोझ जो है, जो पैसे लगते हैं दवा का जो बोझ रहता है वो जो है इन पर नहीं है। जब हम स्वास्थ्य विभाग संभाले थे तो लगभग 200 दवाएं, 200 से 300 ही दवा जो थी वो राज्य सरकार उपलब्ध कराती थी मरीजों को। हमारे आने के बाद हमने कहा कि जो और भी जो दवाइयां हैं जो सेंट्रली जो नॉर्म्स है जहां और लोगों को मिलता है जिस हिसाब से दवा, उसका लिस्ट को जो है बढ़ाया जाए। तो अब तकरीबन 600 ऐसी दवाएं जो है बढ़ करके हो गई हैं जहां बिहार में अस्पतालों में हम लोग देते हैं। लेकिन IGIMS में सीधा जो मेडिसिन सप्लाई जो होगा अब, ताकि मरीजों पर इसका भार ना पड़े, वो सीधा हम लोग BMSIL से CL से जो है वो हम लोग करने जा रहे हैं। और आगे हम लोगों की कोशिश होगी, अभी एक दो और रिव्यू मीटिंग और इस पर हम लोग काफ़ी सीरियस होकर के बात कर रहे हैं कि बेड का खर्चा हो, रजिस्ट्रेशन फीस जो हो, ये मरीजों पर ये भी नहीं आना चाहिए। तो हमारी कोशिश है कि जल्द से जल्द इसको भी सॉर्ट आउट करके और दो चार बैठक करके इस चीज़ों का निदान जो है हम लोग निकालेंगे, और जल्द ही जो है यहाँ IGIMS में रजिस्ट्रेशन के लिए कोई चार्ज नहीं होगा, दवा के लिए कोई चार्ज नहीं होगा, बेड के लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। जो लोग कतार में आएंगे उनके लिए पूरी कंप्यूटराइज व्यवस्था, डिजिटलाइज व्यवस्था होगी, ताकि उसी नंबर के हिसाब से लोगों का जो है लाइन लगेगा, OPD उसी हिसाब से सारी सिस्टम जो है ऑर्गेनाइज तरीके में यहाँ हम लोग जो है करने का काम कर रहे हैं। और आगे और भी कोई डिमांड वगैरह होगा, हालांकि डिमांड तो कभी रुकता है नहीं, अभी डायरेक्टर साहब तो चाहते हैं कि भाई स्पोर्ट्स का भी कुछ ना कुछ यहाँ हो जाए, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स बन जाए, तो वो हम लोगों के विचार में है, क्योंकि आई वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन, तो आई रियली वॉन्ट टू बी पीपल शुड प्ले स्पोर्ट्स, और ये फैसिलिटी जो है लोगों को मिलनी चाहिए। तो इस पर हमारा विभाग जो है विचार हम लोग सब लोग कर रहे हैं, ताकि जितने स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, टाइम पास के लिए तो कुछ नहीं, कम से कम खेल कूद करके अपना सेहत जो है और ठीक करने का काम करें। और इतना स्ट्रेस होता है अस्पतालों में, इतना पेशेंट देखना पड़ता है, तो स्ट्रेस रिलीज के लिए भी बहुत ही बेहतर होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं हम लोग आगे आने वाले समय में हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन बड़ी खुशी है कि 3 साल बाद कोविड का एरा जो है कम से कम अभी तो थम गया है, कोविड का एरा तो अभी जो है थम गया है, और ये एक मौका मिला आप लोगों से इंटरेक्ट करने का। और आप लोगों से बस यही हम चाहेंगे कि आप लोग जो हैं, कोई डॉक्टर जो एक प्रोफेशन ठीक है देखा जाता है, लेकिन लोगों को बहुत ही उम्मीदें होती हैं, कोई समय नहीं होता है डॉक्टरों के लिए, हम देखते रहते हैं दिन रात, कभी भी इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है दिन रात जो है डॉक्टर इन्वॉल्व रहते हैं, काम करते हैं। तो मोर ओवर आप कह सकते हैं कि जो समाज सेवा में है, जो राजनीति में है, उन लोगों को भी जो है रात भर दिन भर कोई टाइम टेबल नहीं होता, उस हिसाब से डॉक्टरों की भी यही स्थिति रहती है, दिन रात जो है सेवा में लगे रहते हैं, लोगों की जान बचाने में लगे रहते हैं, हील करने में लगे रहते हैं। तो इसमें आप सब लोगों का आने वाले दिनों में बड़ी भूमिका है, और आप लोग यहाँ से कई लोग जो हैं दूसरे राज्य जाएंगे, दूसरे देश जा सकते हैं, तो आप सब लोग जो है बिहार का नाम भी रोशन कर रहे हैं। इसके लिए आप सब लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ हम बात खत्म करना चाहेंगे कि नो वन विल रिमेम्बर यू फॉर हाउ मैसिव वाज योर क्लिनिक, व्हाट डिग्रीज यू हैड, हाउ मच मनी यू हैड, बट पीपल विल ओनली रिमेम्बर how you cured their loved ones, how humble, human, and how courteous you were, how you saved lives of their loved ones, people will remember because of this. तो आप सब लोगों को इन बातों के साथ अपनी भाषण को यही समाप्त करते हैं। आप सब लोगों का शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।